जी जनाब, वेलकम बैक। मेरा और आपका साथ राइजिंग पाकिस्तान में 9 बजे तक। और अब आपकी मुलाकात करवानी है आज की मेहमान शख्सियत से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक राइटर हैं, और बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट हो, कुछ टाई अप हो। मुल्क से बाहर ज़्यादा रहीं पिछले अरसे, इसलिए राइजिंग पाकिस्तान में ना आ सकी। आज आखिरकार हम कामयाब हो गए कि इनसे गपशप का सिलसिला आप तक पहुंचाएं। रियली ऑनर्ड एंड प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सईद। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक, खैरियत। पाकिस्तान की याद सताती है तो पाकिस्तान आती है, फिर उधर मतलब आप ट्रेवल में पाकिस्तान में रहती है। लेकिन यह है कि जब आप, क्योंकि अभी कुछ ही रोज पहले आप लैंड बैक की, वो जो टच डाउन है ना जी पाकिस्तान के एयरपोर्ट, वो बहुत अच्छा लगता है। खासतौर पर आप जैसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान के कल्चर और मेरी बड़ी गहरी जड़ें हैं, जड़ें आपकी, आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये जड़ें बड़ी अपनी अच्छी थी, जड़ें जो हैं इतनी गहरी हैं, ये इसकी वजह क्या होती है? आप अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश, स्कूलिंग, या अंदर ही कुछ ऐसा बीज होता है जो कि आपकी जड़ों की तरफ उगना शुरू? मेरे ख्याल में अंदर जो बीज होता है वो सबके ही होना चाहिए, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत हर एक की नहीं होती, तो कुछ ना कुछ अपब्रिंगिंग का बहुत असर होता है कि आप कितना अपने मुल्क को या अपने कल्चर को पहचानते हैं, उससे कितना आप एक्सपोज्ड हैं, कितना आपका लगाव है। बहुत सी दफ़ा ये देखा जाता है कि अपने कल्चर की चीज़ें छोड़ने पे लोग बहुत तैयार होते हैं, मौसीकी हो, लिबास हो, कोई चीज़ हो। तो वैसे तो सब कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो प्यार डिवेलप होता है अपने कल्चर से, वो तभी होता है अगर जैसे यंग लोगों में वो चीज़ एक्सपोज की जाए उनको। अगर आपके फोक म्यूजिक ही नहीं मार्केट में मिलेगा तो उनका टेस्ट कैसे डेवलप होगा ना? आप क्या समझती हैं कि आपकी जो जड़ें मजबूत हैं वो बेसिकली आपकी परवरिश और आपके अपब्रिंगिंग? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। फैमिली का माहौल होता है, आपको किस किस्म का म्यूजिक सुनने को मिलता है, आपको किस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं, उससे आपकी एक ओनरशिप डेवलप होती है, एक प्राइड आपकी बढ़ती है। सोशल एक्टिविज्म से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एज अ सब्जेक्ट, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों की रोशनी में ये फरमाइए कि हमारे यहाँ अमूमन जो सोशल एक्टिविज्म से मुंसलिक लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म का इस लिहाज से शिकार रहते हैं कि भाई माशरे में कोई तब्दीली तो आ नहीं रही, ये एक्टिविस्ट किस चीज़ के, यानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं या इन्वायरमेंट के, तो पाकिस्तान तो वैसे का वैसा ही है, तो ये लोग फिर क्या कर रहे हैं? मैं तो वैसे जब सोसाइटी को देखती हूँ तो मैं उसको एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखती हूँ, जैसे एक एक बीइंग है वो, और मैं समझती हूँ कि सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो उस एक जो एक होल है उसका एक हिस्सा होता है। और जैसे जैसे जिस्म में अगर कोई पिंच हो तो आपकी चीख फौरन निकलती है, तो वो जो चीख है मैं समझती हूँ कि वो सोशल एक्टिविस्ट, जो आपका एक दर्द का एक्सप्रेशन है, या आप किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हो, या आप किसी चीज़ को जो नागवार गुजरे उसको एक्सप्रेस करते हो, सो इट इज़ पार्ट ऑफ द होल बॉडी, वो कहीं दर्द होगी और कहीं एक्सप्रेशन होगा, तो वो एक पूरी सोसाइटी का हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है, वो एक एक्सप्रेशन है जो सोसाइटी को ज़रूर देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सोशल एक्टिविज़म अगर देखें तो ओवर द ईयर्स, जो पिछले 55 साल की हिस्ट्री, बल्कि उससे भी पहले ले लें, तो मैं तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मानती हूँ। मेरा ख्याल है जो हमारे बड़े थे जिन्होंने अच्छे काम किए और जिन्होंने हक बात की, उनका रोल हमेशा रहा, वरना तो लूट के खा जाते सारे। हमारे बड़ों ने ज्यादा अच्छे काम किए? हाँ, हमसे ज्यादा अच्छे, हमसे ज्यादा अच्छे, हाँ मैं मानती हूँ इस बात को। उसकी क्या वजह रही? ज्यादा बहादुर थे शायद। अच्छा। मैं समझती हूँ कि हक बात कहने के लिए आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है, और जब लोग ये सोचें कि अच्छा चलो हमारा स्टेटस, हमारा असर व रसूख, हमारी चीज़ें ना जाएं, मगर हाँ हम कुछ कह भी दें, तो वो कच्चा पक्का सा काम होता है। मैं समझती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग रहे, जो मैं बहुत मजबूत एक्टिविस्ट थे, उनको आप आज देखें तो ना उनके घर हैं, सारी ज़िंदगी काम करके, करियर में रह के, अच्छी पोजिशन में रह के, ना कोई ऐसी जायदाद बनाई, ना कोई इतना पैसा कमाया, मगर एक ऑनेस्टी है, एक प्राइड है, एक एक उनके वर्च्यूज़ हैं जो। लेकिन पैसा कमा के भी अच्छा काम किया जा सकता है? हाँ, मगर बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टेक आ जाता है, जब आपके पास ज़्यादा अंबार हो तो फिर आप रिस्क नहीं ज़्यादा ले सकते। जैसे होता है ना, बाज़ोकात लोग कहते हैं लड़कपन में हम ज़्यादा बहादुर थे, जब बच्चे हो जाते हैं तो गाड़ी भी इतिहास से चलाते हैं, क्योंकि आपके स्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू लूज थिंग्स। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग शायद इन जनरल, हमारी जनरेशन जो है उतनी बहादुर नहीं है,
और जो आगे यूज को मैं देखती हूँ तो मामला काफी गड़बड़ लगता है मुझे. You're not very hopeful. ये कह लें कि मैं disappointed भी नहीं कह सकते, hopeful तो हूँ. Concerned. हाँ, concerned is a nice word. यहाँ तक कंसर्न हूँ कि मैंने अब ये सोचा है कि आगे जो मेरा ज्यादा काम होगा मेरा टोटल फोकस यूथ के ऊपर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी थी. जैसे हमारे बड़ों ने हमें जितना सिखा सके सिखाया, मैं समझती हूँ हमारी जनरेशन ने ये जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की. तो मैं इसको बहुत बोझ की तरह फील करती हूँ. डॉक्टरेट की डिग्री जो है, एक तो चीज़ वाजे करता चलूँ कि मतलब अभी आप हिम्मत सोचिए कि हम कोई आंखों या कान नाक गले या दिल के हवाले से कोई बात करेंगे. डॉक्टर साहबा जो है इनका एजुकेशन के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री. मैं कहती हूँ कि मैं वनस्पति डॉक्टर असली वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इलाज का पूछते हैं. अच्छा, रास्ता चलते कोई कई दफा ऐसे होता है. तो आप तो दो चार नुस्खे ऐसे याद करने मैं फौरन एडमिट कर लेती हूँ कि मैं वनस्पति हूँ, मैं असली वाली डॉक्टर नहीं हूँ. लेकिन डॉक्टर साहब आपका ज्यादा काम जो है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से है. जी, मेरी जितनी रिसर्च है, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है एज अ रिसर्चर वो सारी एंथ्रोपोलॉजिकल है. तो मेरा जो भी ज्यादा काम. लेकिन पीएचडी आपका एजुकेशन है. जी, पीएचडी एजुकेशन है. दिल नहीं किया कि जिस चीज में रिसर्च करें उसी शोबे को लेके आपने? नहीं, वो एक्चुअली पीएचडी जो है वो बेसिकली रिसर्च की डिग्री होती है, जिस भी फील्ड की हो. तो उसमें रिसर्च इंक्वायरी के जितने मेरी ट्रेनिंग है वो सारी एंथ्रोपोलॉजी की है. तो मैं जितना मेथड यूज करती हूँ वो सब एंथ्रोपोलॉजी का यूज करते हैं. इंटरेस्टिंग. मगर मेरा ख्याल ये था कि मैं एजुकेशन इसलिए रखूँ कि मैंने पाकिस्तान में वापस आके जो पूरा रिफॉर्म करने का वो एक होता ना आपको जोश जज्बा, तो मेरा ख्याल था कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए करूँगी. लेकिन इतने सालों की तैयारी के बाद 6 महीने में मैंने कहा नहीं, एजुकेशन के थ्रू नहीं, मुझे को और रास्ते ढूंढने पड़े. इंटरेस्टिंग. तो वो सारा जज्बा और जोश जो है वो धक्के कह लें, धक्के शुरू में जरा एकदम लगे, तो मैंने कहा नहीं, ये एजुकेशन के थ्रू करना बहुत मुश्किल. क्या ऐसी चीज थी? लेट्स बी ऑनेस्ट. एक तो मुझे ये लगा शुरू में, मैंने पहली जॉब यूनिवर्सिटी में की थी, मैं कहूंगी नहीं किस यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे ये लगा कि ये इतना बड़ा सिस्टम है और काफी बिगड़ा हुआ सिस्टम भी है. तो मुझे ये डर हुआ कि मैं अपना स्पार्क लूज कर दूंगी. मैं ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल यहाँ रह जाऊं तो फिर मैं भी वैसे ही सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं, अंग्रेजी के चैप्टर्स कॉपी कर करके मैं भी लिख रही हूँ कहीं बैठ के. नॉट के मतलब ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि जिस तरह मेरा ख्याल था कि वहां पर मुझे एक क्रिटिकल मास मिलेगा जो बहुत स्पार्क कर रहा होगा और मैं उनके साथ मिलके और एक जद्दोजहद होगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म ढूंढने चाहिए. तो मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बहुत जल्दी आ गई थी. जो आम लोगों के साथ बैठ के मैं खुद डेवलप करती थी कोर्सेज और एक सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इस किस्म की चीजों में मैं बहुत जल्दी फिर आ गई. एक टर्म, एक इस्तेमाल बहुत इस्तेमाल होती है, आवे का आवा बिगड़ा. यू थिंक ऐसा था? मुझे कुछ ऐसा ही लगा. हाँ, मुझे लगा कि मुझे उस वक्त अपने आप को बचाना था ताकि मैं खुद ना अपनी पर्सपेक्टिव लूज कर दूँ. लेकिन I'm not trying to criticize your decision, but agar aap jaise log is khauf se, wo bhi waise acha khauf hai ke kahin system ka hissa nahi ban jaye, lekin agar is khauf se track se side pe hote jayenge to phir who will bring the change? Magar zaruri nahi ke ek hi rasta jata us manzil ko na, kai raste jate hain. Aur contribution bhi aap dekhein to aap hamare jo log hain jo jinko main bahadur log kehti hu, bahut मुख्तलिफ रंगों में कंट्रीब्यूट करते हैं. कोई लिख के करते हैं, कोई शायरी से करते हैं, कोई हार्डकोर एक्टिविज्म से करते हैं, कोई तंजीमें बना के करते हैं. तो मैं तो समझती हूँ सारी पगडंडियाँ अगर उस तरफ को जाएं जो मंजिल हम देखते हैं या जो डायरेक्शन हम देखते हैं, तो दैट इज़ फाइन, इट डजंट हैव टू बी वन वे और दी अदर. लेकिन यह है कि मैं अपनी ठरक पूरी करती रहती हूँ. वैसे मैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी पहले भी टीच करती रही, या दूसरे मुल्कों में भी मैं टीच करती रही हूँ. ट्रेनिंग मेरी एक बहुत दिल की पसंदीदा चीज़ है, तो उसमें भी मैं अपना नशा वो जो एजुकेशन वाला वो मैं पूरा कर लेती हूँ. वो पूरा करती हूँ, लेकिन यह है कि दूसरा रास्ता आपने इख्तियार किया. हाँ, मंजिल पर ही. हाँ. थोड़ी सी बात बिल्कुल इस एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन से हट के, और ये बात वहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ जब इस कैमरे को आपने पहली बार फेस किया, और ये कैमरा और ये लाल बत्ती आपके लिए इतनी बहुत ज़्यादा शनासा है. हाँ, मुझे घर का सा लगता है. घर का सा लग रहा है ना. पेशावर टेलीविजन से आपने अनाउंसमेंट का आगाज किया, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बिल्कुल शुरू के अनाउंसर्स में से. जी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, और जो बिल्कुल पहले अनाउंसर्स थे उनमें मैं. लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा. आपने कैसे पहले कि मैं पूछूं? और मैं स्टूडेंट थी, बहुत मुश्किल से इजाजत मिली थी पेशावर जैसे शहर में. वहाँ पर लड़कियों का आना बड़ा. ताल्लुक आपका पेशावर से ही?
नहीं, मैं लाहौर से। लाहौर से तो पेशावर क्या पेरेंट्स की वजह से? जी, मेरे फादर पीआईए में थे, तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ, तो पाकिस्तान में सब जगह ही रहे हैं। तो उस वक्त पेशावर में पोस्टेड थे और वहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट थी और वहाँ बड़ी मुश्किलों से इजाजत मिली मुझे, मगर आई वाज वेरी एंग्शियस, तो तब से मैंने ये कंटिन्यू रखा हुआ। ऑन एंड ऑफ आप शोज वगैरह करती रहती हैं? टॉक शोज करती हूँ, लेकिन ज्यादा इशू ओरिएंटेड काम ही किया। और वो भी कह लो कि आप ह्यूमन राइट्स या वुमेन इश्यूज ओरिएंटेड। जब भी मैं कुछ लिखने लगती हूँ तो भी वुमेन इश्यूज पे, जब बोलने लगती हूँ तो भी वुमेन इश्यूज पे। आई सपोज ये एरिया है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा और इस पे काम करती थी, तो टॉक शोज भी मेरे तकरीबन इसी के गिर्द घूमते हैं। वक्त के साथ साथ खवातीन के हालात बेहतर हो रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं, या जितना शोर ज्यादा हुआ उससे मतलब कोई बेहतरी आ रही है? स्नेक्स एंड लैडर की गेम है। हाँ, कभी सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी सांप खा जाता है। हाँ, हाँ, कुछ एरियाज में आगे बढ़े हैं, कुछ एरियाज में तो बहुत ही पीछे गए हैं। मसलन बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी सुबह सुबह इतनी। कोई बात, एक दो सिर्फ लिस्ट उनवान बताइए। मोबिलिटी जो औरतों की मोबिलिटी बहुत कम हुई। जब हमारे जमाने से तो बसों में बहुत हम खुले फिरा करते थे। मेरी मतलब आंट्स वगैरह, खालाएं कह लें, साइकिल में, वो वाली जनरेशन जो है साइकिल पे आराम से आते जाते थे। अब तो कोई ख्वाब में भी नहीं देख सकता कि लड़की साइकिल चला के कॉलेज जाए। डबल डेकर्स थी तो वो एक औरतों को बहुत मोबिलिटी की आसानी थी। अब बसें, बहुत से शहरों में बसें हैं ही नहीं, तो वो बाप या भाई के पीछे मोटर बाइक पे ही बस एक है, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ और खास है नहीं। मोबिलिटी है, फिर घूमने फिरने की इजाज़तों के भी बड़े मसले हैं। मेरे ख्याल है मेरे ज़माने में हम ज़्यादा ओपन थे, आजकल की लड़कियाँ शायद इतनी ओपन नहीं हैं। जो आज़ादी है ना कि क्या क्या चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपने ख्याल में एक फ़र्द जो है वो माशरे से खाइफ हो गया? हाँ, 80s में ये प्रोसेस मेरा ख्याल शुरू हुआ था। और अब जो प्रोडक्ट हमारे सामने है वो मैं समझती हूँ बहुत आइसोलेशन में है। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान, बहुत आइसोलेटेड हैं। उनको जो कलेक्टिव पेन है उससे इतने कनेक्टेड नहीं है। मैं समझती हूँ हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अगर कहीं भी हमारे कॉलेज में कुछ हो जाता था तो मुझे अभी भी वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि कैसे स्टूडेंट्स अगले दिन वैसे ही रूटीन में क्लासों में चले जाते हैं, वैसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तो मैं सोचती थी कि मैं तो ये मेंटली बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकती कि जिस वक्त में मैं स्टूडेंट थी तो वहाँ पर कोई हादसा हो जाए कॉलेज में या कुछ हो जाए। कोई वाकया, कोई ऐसी यहाँ पर हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में अभी अखबारों में आए रेप्स हुए हैं जिनकी कोई तफ्तीश नहीं होती या पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। तो मैं तो ये इमेजिन नहीं कर सकती जिस जमाने में हम स्टूडेंट थे कि हम सारे सड़क रोक के खड़े नहीं हो जाते कि जब तक आप बताओ नहीं कि क्या है तो हम तो कॉलेज में दाखिल नहीं। यानी बेहिसी। हाँ, हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल थे और कॉलेजेस जो थे वो एक समझ लें कि ट्रेनिंग ग्राउंड थे। ये जो कलेक्टिव सोच है, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन है, अब तो वो कई कोनों खुतरों में घुस। स्टूडेंट यूनियन को भी बहुत बुरा समझा जाने लगा। अब तो बैन है, बहुत बैन है। हाँ, बैन है, बल्कि आपसे साइन करवाते हैं कि आप किसी किस्म की किसी सियासी या। और मेरा ख्याल है कि हमारी हमारे पार्लियामेंट तक के लेवल में जो सियासी तनाजुली का जो हमारा माशरा शिकार हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि तालीमी इदारों से सियासत, कोट एंड कोट सियासत, एक बड़े पॉजिटिव और एक हेल्दी, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी वर्ड है। तभी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि कलेक्टिव पेन। मैं ये नहीं कह रही कि इसका इकतदार हो या उसका इकतदार हो। द पॉइंट इज कि आपके माशरे में कहीं भी दुख है, दर्द है, तो वो सबको फील होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है तो ठीक है, या मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि मुझे जरूरत पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी लोग रुटते खुटते रहें, दैट इज फाइन। वो जो एक एहसास होता है ना कि माशरे में क्या मसला है। अभी भी ये जिस तरह मैराथन का मसला चला तो बड़े मजे से लोग कहते हैं कि हाँ औरतों को करनी चाहिए इसके ऊपर कंप्लेन। तो मैं कहती हूँ औरतों का मसला कब से बन गया? मैं तो समझती हूँ जिस दिन उन्होंने कहा कि सिर्फ मर्दों को आगा, तमाम मर्दों को खड़े हो जाना चाहिए था कि हमें भी नहीं करना ऐसा मैराथन। मतलब ये आप मुआशरे को देखिए एज अ कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, तो ये कैसे बांट के, और हम कहते हैं जी उसका मसला है तो फिर तो बच्चों के मसले हम बिल्कुल बच्चों पे छोड़ दें, बड़ों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे बुरा आइडिया नहीं है मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, बच्चे ज्यादा बेहतर हल निकाल लेंगे उसका। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ों के मसले भी बच्चों को दे दिए जाए। फ्रेंकली औरतों की मैराथन की आपने बात जी, औरतें जो खुद इस मैराथन के खिलाफ, उनका क्या, उनकी क्या अप्रोच है, उनकी उनकी देखिए मर्द और औरतें कोई भी सोच रख सकते हैं। हाँ, हर को हाँ, मतलब ये जेंडर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। द पॉइंट इज कि माशरे में हम औरतों के लिए इन जनरल जगह कितनी तंग करते चले जाएंगे कि
मतलब सांस लेने के लिए भी कई रिटन परमिशन शायद लेनी पड़े कई बार जाके, तो ये स्पेस की बात होती है। अगर आप इसको लार्जर इशू में, अब कई लोग ये कहते हैं कि जी और कम मसले हैं, यही एक रह गया है, मगर सोचने की बात ये है कि कितनी स्पेस आहिस्ता आहिस्ता घटाते चले जाएंगे। और अभी भी जो शोर हंगामा हुआ है वो ये नहीं है कि मैराथन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। द पॉइंट इज कि किसी को हक ये क्यों है कि वो दूसरे को कोने में धकेलता जाए, आप यहाँ नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं कर सकते। भाई सारे आज़ाद शहरी हैं, जिसका जो दिल चाहे करना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो वो मर्दों और तो दोनों के लिए। लेकिन असल मसला लॉ एंड ऑर्डर तो चलो ठीक है, लेकिन जो टू बी ऑनेस्ट असल मसला जो है पस पर्दा वो ये है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाए। हाँ, मगर इस्लाम खतरे में पड़ने का डिसीजन भी तो देखे ना, एक ही जेंडर लेता है। हाँ, वो बात आपकी। और कह लें कि कुछ खड़पैंच हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। या तो आप रूल ऑफ लॉ रखें, अगर वो नहीं तो फिर मॉरल लॉ जो है वो किसने कह दिया कि कौन इजारादारी किसकी होगी ना। तो ये तो गलत बात है। मैं हर सुबह उठूं और मुझे पता चले कि किसी ने मेरे लिए ये फैसला कर दिया है कि अब मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, अब मुझे इस तरह से चलना है, मुझे इतनी बात करनी है और इससे ज़्यादा नहीं करनी, और अब मुझे घर से निकलना ही नहीं है इजाज़त के बगैर, और अब मैं शादी नहीं कर सकती इजाज़त के बगैर, और अब मैं ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इंसान ये बात होती है जब आप माशरे को ओवरऑल नज़रिए से देखें ना, तो आप देखते हैं कि कुछ स्पेसेस जो जिनको हम प्रोग्रेसिव स्पेसेस कहते हैं, जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो घटती चली जाती है। तो कहीं पर तो आके लोगों को बोलना पड़ता है ना अपना वो स्पेस वापस रिक्लेम करने के लिए। तो वो एक बम फटने की सिचुएशन थी। हाँ, तो लोग उसको और तरह से देखते हैं, वो समझते हैं कि ये क्या शोर मचा रहे हैं। दे डोंट रियलाइज कि भाई आप किसी को दबाते चले जाएं, उसकी स्पेस घटाते चले जाएं,